ऋषभ वो भूलना मत हां। क्या? नहीं, विटेरियल से एक बार बात पक्की कर लेते हैं। मेधा, भूलना मत, बात पक्की कर लेते हैं। मसला तो कुछ ऑफिशियल लगता है, लेकिन क्या बात है, आज तुम्हारा अंदाज बयान कुछ रोमांटिक है। रोमांटिक पोस्चर में अगर ऑफिशियल बात होगी तो फिर इसी वोकैबुलरी में होगी ना। देखो मेधा, ऑफिशियल बातें करने के लिए ऑफिस है और रोमांस करने के लिए घर, और चूंकि शादी करके हम इस मुकाम तक पहुंच ही गए हैं तो कुछ रोमांस हो जाए। क्या बात है भाई, तुम तो ऐसे भाग रहे हो जैसे मेरी नहीं पड़ोसी की बीवी हो। क्यों, पड़ोसी की बीवी भी ऐसी? खबरदार खबरदार खबरदार, जो मेरे कैरेक्टर में लालचन लगाया भाई, आज तक नजर उठाकर कभी पड़ोसी को देखा तक नहीं है मैंने। ऋषभ, तुम्हारा कोई पड़ोस होता तो तुम देखते ना। नहीं, एक तरफ खाली चौराहा है, दूसरी तरफ खाली प्लॉट है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जब बीवी वकील होना तो हर बहस हारनी पड़ती है। I'm sorry, आगे बोली। तो एक काम करती हूँ, पहले मैं वकालत कर लेती हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारी अनपढ़ बीवी बन जाऊंगी। प्रॉमिस? ओके। तो ठीक है, मुझे भी मंजूर है, लेकिन तुम्हारी वकालत को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए शुरुआत अभी से कर लेते हैं। बोलो क्या बोले। ऋषभ, एक बार विटेरियो से बात कर लेते हैं ताकि मिस्टर केशव मल्होत्रा की वसीयत के खिलाफ मैं अपील दर्ज कर सकूं। मेधा, अब अपील का क्या फायदा, क्योंकि सिल्वर एस्टेट का केस तो हम ऑलरेडी हार चुके हैं और वो प्रॉपर्टी भी गवा बैठे। कौन कहता है कि हम सिल्वर एस्टेट का केस हार चुके हैं और प्रॉपर्टी गवा बैठे हैं? इस वक्त तो सिर्फ स्टे ऑर्डर कैंसिल हुआ है, सिल्वर एस्टेट पे किसका कानूनी हक है ये अभी तक साबित नहीं हुआ। हो सकता है, लेकिन मैंने तो सुना है कि सिल्वर एस्टेट में स्वेतलाना ऑलरेडी शिफ्ट कर रही है। चाहो तो तुम भी वहां जाकर रह सकते हो, वो मिस्टर केशव मल्होत्रा की प्रॉपर्टी है, उस पर तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना कि स्वेतलाना अपना समझती है। एक्चुअली तुम्हें अपना हक बराबर से जाहिर करते रहना चाहिए, उससे मुझे केस लड़ने में मदद मिलेगी, और उस दौरान हमें विटारियो से एक बार बात कर लेनी चाहिए। मेधा, विटेरियो जल्दी बॉम्बे आने वाला है, तुम केस तैयार करो, उससे पहले हम अपना केस तैयार कर लें। कम ऑन।